आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उससे कहिए मेरे पास जो कुछ है वो ले ले मुझसे और मुझे अपनी मैरिज दे दे। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हेलो दानी साहब, आपने आकर मेहमान रख लिया। हाय मिसेस दानी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आपके लिए फूल। ओह थैंक यू। और रूबी साहब, आप तो सबसे प्यारे लग रहे हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आइए आइए ना प्लीज। आइए बैठिए। आई होप ड्राइवर वक्त पे पहुंच गया था। जी जी बिल्कुल। तो बताइए क्या लेंगे? या समथिंग एल्स? नहीं, मैं पीता नहीं हूं। आई न्यू इट। कुछ लोगों का पीने का वक्त देर से आता है। आपकी मिसेस कहाँ है? हर आदमी की मिसेस उसके साथ कहाँ होती है जना? कहने को सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरी मिसेस मेरे पास नहीं। तो आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? ये कब कहा है मैंने? शादी तो की थी। ओ, तो ब्रेकअप हो गया। I'm sorry, but आप ब्रेकअप किसको कहते हैं? आई थिंक मैंने सवाल गलत कर लिया। I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, सवाल गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है। बस आपको ये नहीं पता कि ब्रेकअप होता क्या है। एक बस रिश्तों के ना बनने से या रिश्तों के टूटने से नहीं होता है ब्रेकअप। दिलों के ना मिलने से जो ब्रेकअप होता है, एक्चुअली वो होता है ब्रेकअप। लोग साथ चलते रहते हैं और साथ होते नहीं है। कोई और बात करें? मैं भी ना, I'm such a fool। इतनी खूबसूरत रात को अपने घर में डूबने जा रहा था। बट यू नो आई बिलीव कोई दो कदम चलकर साथ छोड़ दे, उसे थैंक यू बोल देना चाहिए। कम वक्त लंबी मुसाफत से बचा लेता है। सो मेरी बीवी से जब भी मेरी बात होती है, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मुझे कुत्ते पालने का शौक है, लेकिन उनका भौंकना बहुत बुरा लगता है। आप दोनों की लव मैरिज हुई थी ना? जी। अरे रूमी साहब, बोर तो नहीं हो रहे? दीवान साहब, दीवान साहब, भाई रूमी साहब को ले जाइए बाहर, लॉन में झूला दिलाइए, थिएटर रूम में जाके इनको इनकी फेवरेट मूवी दिखाए। थिएटर भी है? हाँ, आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिनेमा में बैठे। पापा मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ ना। जाओ यार। हाँ तो पहली बार कहाँ मिले थे? वहीं शादी पर। नहीं नहीं, आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। अच्छा, आई लव यू पहले किसने कहा? मैंने। As usual. फिर इनकी तरफ से जवाब कब मिला? 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद, थोड़ा ज्यादा है ना। शादी कब हुई? ना, 1 साल बाद। वाह, ये तो बड़ी जल्दी होगी। I must say you both are very lucky। मैं ज्यादा लकी हूँ शहवाज साहब, इसने मुझे बना दिया। ये मिल गई तो मुझे लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो
बुरा नहीं मानिएगा, मैं सच बोलूंगा। वो किसी को भी मिलती है वो यही कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी देखूं आपका थिएटर? या श्योर, क्यों नहीं, आइए दिखाता हूं। आइए ना मिसेज जान। यार दानिश साहब, प्लीज आप मुझको इजाजत दीजिए कि मैं इनको अपने थिएटर रूम तक छोड़ा। हाँ श्योर, ऑफ कोर्स, आइए ना। एक मिनट। हाँ तो वो मैंने क्या कहा था? हाँ मैंने कहा था, नानी साहब बुरा ना मानिए, मैं सच बोलूँ, ये जिनको भी मिलती वो यही कहता कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताइए मैंने झूठ कहा था? I don't know. ठीक है, फाइन, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उससे कहिए मेरे पास जो कुछ है वो ले ले मुझसे और मुझे अपनी मैरिज दे दे। मेरे पापा कहाँ करते थे, किसी का दिल जीतना हो उसको अच्छा खाना खिलाओ। तो बताइए दानिश साहब, मैं आपका दिल जीत पाया? आप बातें कम करते हैं या फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं? मैं आपको सुन रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक सक्सेसफुल आदमी जब बोलता है तो उसके लहजे में कितना कॉन्फिडेंस होता है। सक्सेसफुल तो आप हैं जनाब, ये मेरा मानना है। आप जो चाहें वो आपको मिल जाए वो सक्सेसफुल नहीं होता। आप जिसको चाहें वो मिल जाए उससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं होता। भाई अरे साहब को सुख दो ना, तो ये सुख टेस्ट कीजिए। देख के नहीं डाल सकते तुम? दीवान साहब। दानिश तुम ठीक हो ना? प्लीज इनको मेरे कमरे में ले जाइए और मेरे वार्डरोब से एक दूसरी शर्ट दीजिए इनको, और इनके साथ रहिएगा, हो सकता है इनको किसी चीज की जरूरत हो। नीचे मत आ जाइएगा प्लीज। आप तो मुझे परेशान हो रही है, ही विल बी फाइन, उनको आने में 15 मिनट लगेंगे। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। वो मुझसे पूछेगा मैं उसके साथ क्यों नहीं गई। तो आप कह दीजिएगा किसी गैर आदमी के बेडरूम में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि वो रात भर बेडरूम से आए ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं।